ही गारंटी है अपने आप में, और सिर्फ मोदी की गारंटी पूरी होती है। कांग्रेस के पास ना नेता है ना नेतृत्व है, और झूठे वादे और दावे जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनावों में करके सत्ता हाथ अपने ली थी, वो सत्ता जाहिर है अब जानी थी, चूंकि एक भी वादा जो किया गया था मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, उसे एक भी वादे को पूरा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, और यही वजह कि कांग्रेस का सफाया हो गया। शिवराज सिंह चौहान की फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए एक अलग उत्साह चेहरे पर है आज, खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि शानदार रिजल्ट्स बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश में रहे हैं, 161, और यही कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि 230 में से 150 हम पार करेंगे, 161 पर फिलहाल बीजेपी है। लाडली बहनों के साथ हाथ मिलाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इन्हीं लाडली बहनों का धन्यवाद वक्त वक्त पर इससे पहले भी करते रहे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पहले ही कहा था कि लाडली बहनों के सहारे हम जरूर एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, और ऐसा हुआ भी है। आज भी जब रुझान सामने आने लगे थे तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया था कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन्हीं योजनाओं के सहारे बहनों ने हमें प्यार दिया है, और यही वजह कि जनादेश हमारे पक्ष में। देखिए आशीर्वाद बहनों से, महिलाओं से, बहन बेटियों से लेते हुए शिवराज सिंह, जाहिर सी बात है। और जिस वक्त मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के एक एक मेरी जनता जनार्दन को, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की वजह से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और हमारे शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में यही संभव हो पाया है, और प्रादेशिक स्तर पर हमारा कार्यकर्ता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में। देश के मन में मोदी हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की 29 सीटें इस बार क्या पूरी 29 सीटें? पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी का जो एक यश कीर्ति और उनका एक एक जन जन के दिल में स्थान है, पूर्ण रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साफ तौर पे एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं वो पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी, और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाई है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। वो लिए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की गारंटी, इसको बीजेपी बता रही है, और तस्वीर देखिए जश्न इसी तरह से मनाया जा रहा है। होली दिवाली आज सब एक साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मना रहे हैं, क्योंकि शानदार जीत बीजेपी की नजर आ रही है। 230 में से 161 सीटों पर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जीत बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में उलटफेर हो गया पूरी तरह से, जो एग्जिट पोल थे वो भी पूरी तरह से पलट गए हैं। 55 सीटों पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी फिलहाल वोट को बेनकाब करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार थी। कांग्रेस की कुशासन से छुटकारा के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया था। गांव गांव, गली गली एक ही नारा गूंजता था, औ नई सहिबो बदल के रही हो। ये रही बो, और बदलने की दिशा में आप लोग बढ़ गए, लेकिन एक रिसर्च का विषय ये हो गया, जो पार्टी 72 सीटों पर थी, उपचुनाव हुए तो भी जीत रही थी, और उसके बाद जिस तरह की स्थिति थी, चाहे अंदर डैमेज हो रहा था लेकिन सब अच्छा दिख रहा था, और वो डैमेज करने के आरोप जो आप पे लगने लग गए थे कि नंबर कम आएंगे, वो स्थिति नज़र अब तो नहीं आती है। तो एक चीज़ बताइए, ये लगता नहीं कि शोध का विषय कि ऐसा क्या हो गया, जहाँ आप थे वहाँ वो पहुँच गए? जब आप जनता के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, जिस जनता ने आपको वोट देकर सत्ता में बिठाया उसे ही लूटने का काम करोगे, तो जनता तो सबक सिखाएगी। ये जनता है, सब जानती है। भूपेश बघेल नहीं जानते थे कि जनता क्या जान रही है। आपने कोयला घोटाला किया, आपने शराब घोटाला किया, जनता जानेगी नहीं कि किसने किया घोटाला। जेल में कौन लोग हैं, उनसे आपके क्या संबंध है, घोटाले का पैसा जाता कहाँ था, क्या सोचते हो? आप कहते थे ईडी आईटी के भरोसे सरकार लड़ रही है, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, जनता ने आपको करारा सबक सिखाया है। जो जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी। जो वायदे किए गए थे पूरे हो जाएंगे? निश्चित रूप से
गारंटी मोदी की है, जो कहा है वो करेंगे, और फिर जब आएंगे तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे, हिसाब लेकर आएंगे। एकदम एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। देखिए ये अरुण साहू थे, एक आखिरी सवाल कि आखिर छत्तीसगढ़ का सिरमौर कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन वो सवाल पूछते उससे पहले वो चल दिए। सवाल यही है कि ये हुआ क्या कांग्रेस के साथ, ये एक रिसर्च का विषय हो गया है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की थी उस स्थिति में इस तरह का। अरुण साहू को आप सुन रहे थे। देखिए आत्मचिंतन का इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा विषय आ गया। कम से कम छत्तीसगढ़ ने बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चौंकाया होगा। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, नतीजे तो बहुत ज्यादा खिलाफ में आप लोगों के चले गए हैं, छत्तीसगढ़ में तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की आपने। नरेंद्र तोमर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता की जीत है, उनकी योजनाओं के समर्थन की जीत है। मध्य प्रदेश सरकार, मैं शिवराज सिंह जी और उनकी योजनाएं, जैसे लाडली बहना ने एकदम चुनाव का चित्र ही बदल दिया, ये उसकी जीत है। मैं इस जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। केसरी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिंदी बेल्ट वाले ये तीन बड़े राज्य, 2018 में तीनों राज्यों में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ा झटका, दो राज्य तो हाथ से चले गए, एक तरह से पूरे उत्तर भारत से सफाया हो गया है कांग्रेस पार्टी का। जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर, कांग्रेस के नेता दावे कर रहे थे कि जीत राजस्थान में उनकी होगी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी, जीत के पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे, मिठाइयां बन चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, तो क्या कहें। देखिए इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता ही है, पर जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और मुझे लगता है जनता का ये सपोर्ट आगे देश के भविष्य के लिए और अच्छा उपयोगी होगा। 2024 के लिए मैसेज है सीएम सर, सीएम सर, सीएम सर, सर, सीएम सर, सर, एक एक सर, सर, सिंगल। तो देखिए ना, जादूगरी चली किसी की ना बाजीगरी, सिर्फ मोदी की गारंटी चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भी राज्य में, इन चुनावी राज्यों में जिस भी जगह पर रोड शो किए, जनसभाएं की, सभी जगहों पर दोहराया कि मोदी की गारंटी ही सिर्फ ऐसी गारंटी होगी जो कि पूरी होगी, और इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ। और वही गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चली भी है। एक बड़ा पैनल लगातार इंडिया न्यूज पर सुबह से ही बना हुआ है, जो रुझान सामने आए हैं उन पर सुबह सवेरे से हम लगातार बने हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसकी कितनी बड़ी जीत है और किसकी कितनी बड़ी हार है। देखिए अब मैंडेट तो क्लियर मिल गया है बीजेपी को इन तीन राज्यों में, लेकिन अब अगला सवाल ये कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। अरविंद मोहन सर के पास मैं चलती हूँ। अरविंद मोहन सर, छत्तीसगढ़ में तो चूंकि एग्जिट पोल भी ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी यहां पर आएगी। अरविंद जी, जवाब दें उससे पहले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बघेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। नतीजा तो आपके मन के सारे लड्डू फोड़ गया होगा। जी जी, मेरे चेहरे पर जो आप रेडिश देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की धूप की वजह से। छत्तीसगढ़ क्यों छोड़ रहे हैं आप? तो छत्तीसगढ़ तो उम्मीद से परे जाकर के आपके लिए। मैं जहाँ मेरा सहयोग नहीं है, योगदान व्यक्तिगत नहीं है, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में गोहद, मैगांव, खूब लाहौर, पटेल, अशोकनगर, चंदेरी, मुगावली, इसके अलावा यहाँ पिछोर, श्योपुरकला, ग्वालियर की तीनों सीटें, बकरवार, देमनी, इन विधानसभाओं पर मुझे जाने का मौका मिला। जी दतिया। लेकिन बघेल साहब, एक एक तो बात ईमानदारी से आप बताइएगा, मेरे दिल पे हाथ रख के, मध्य प्रदेश में जो जनादेश आपकी पार्टी को मिल रहा है, आपको कभी भी इस बात का यकीन था? शुरू के दिनों में नहीं था, जब शुरुआत के दिनों में गए थे तो, लेकिन क्रमशः अगर होता ना क्रमिक विकास, तो वो प्रतिदिन प्रति घंटे सभी लोगों की मेहनत से हुआ, और उसमें खासतौर से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन लाभार्थियों की संख्या
था वहां की विधानसभाओं में लगभग 20-22 हजार होती थी और राज्य सरकार के लाभार्थियों की संख्या भी 20-25 हजार होती थी। तो हर विधानसभा में लगभग 40-50 हजार केवल लाभार्थी होते थे जिसमें खास तौर से जैसे 5 करोड़ गेहूँ चावल वाले हैं ये भी थे, मकान वाले थे, शौचालय वाले थे। मध्य प्रदेश में पता नहीं, मैं अभी किसी की इंटरव्यू सुना नहीं हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं क्योंकि मेरा जनता से मिलने का ये दिन होता है इतवार, लेकिन मैंने ये दो चीजें वहां महसूस की। एक, जो किसान सम्मान निधि के 6,000 पूरे देश को मिलते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में 6,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान अपने भी देते हैं, इस प्रकार से वहां पर किसान सम्मान निधि के 12,000 मिलते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की अधिकांश बहुत जमीन ऐसी है जो सिंचित नहीं है, बैरून लैंड है, ऊसर है, तो फसल उतने की नहीं हुई है जितने की उनको किसान सम्मान निधि मिली, ये कारण। और लाडली बहना लाडली बिटिया का तो धूम मची है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं कि आखिर ये योजना हो रही है। तो वहाँ किसान सम्मान निधि का, जैसे चंबल नदी है, चंबल का बायां किनारा आगरा 6,000, चंबल का दाहिने किनारा भिंड 12,000, तो ये अपील किया वहां पर खासतौर से कि पूरे देश में 6,000 मिलते हैं, 12,000 ऐसे। वो तो शिवराज सिंह चौहान जब अपनी योजनाएं बताते हैं तो 45 मिनट का उनका भाषण केवल योजनाओं का होता है, लेकिन लाडली योजना और किसान सम्मान निधि के 6,000 भी बड़े कारण। तो मोदी जी की कल्याणकारी योजना इसने बड़ा काम के, मैं मानता हूँ क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और शिवराज सिंह सरकार की जो योजनाएं ऐसी हैं, दोनों ने मिलकर के लाभार्थियों की एक बड़ी जमात वहां खड़ा कर दी और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन राजस्थान में तो आपकी सरकार नहीं थी, अशोक गहलोत ने वहां पिटारा खोल रखा था, चिरंजीवी योजना 25 से 50 लाख कर दिया, गैस सिलेंडर को 500 रुपये कर दिया, चुनाव के बाद वो 400 रुपये कर देते, महिलाओं के घूमने का इंतजाम फ्री में था, तो फ्री की रेवड़ियां उन्होंने बहुत बांटी, उसके बाद भी आपकी पार्टी ने राजस्थान को अपने कब्जे में ले लिया, वहां कारण क्या है? अच्छी सरकार वो होती है जो अपने घोषणा पत्र को 40% एक साल में, 60% दूसरी साल में और 100% 3 साल में कर दे। ये मैं अपने निजी विचार बता रहा हूँ, और जो 3 साल में नहीं कर पाएगा वो 300 साल में नहीं कर पाएगा। योजना का लाभ जब तक, जैसे इलेक्शन के समय चुनावी चश्मे से देखा जाता है, तो इसलिए इस समय मैं कोई शिलान्यास नहीं करूंगा, अब 4 महीने बाद के उसको चुनावी दृष्टिकोण से। तो अब बिजली के खंभे गाड़ दो, इलेक्शन के 1 महीने पहले वोट नहीं पड़ता है, ये चुनावी है, तो फिर तार आएंगे। जब तक लट्टू नहीं जलेगा तब तक वो नहीं कहेंगे कि लापरवाही, जबकि लट्टू डायरेक्ट नहीं जल सकता, खंभे अनिवार्य हैं, फिर तार आएंगे, फिर ट्रांसफार्मर आएगा, फिर कनेक्शन आएगा। लेकिन माफ करना, जनता कहती है भाई बिजली ये नहीं, सब चुनावी है। तो जो गहलोत जी ने जो वर्षा की है योजनाओं की, उसका लाभ नहीं मिला। अब ये नहीं कहना चाहिए 5 साल वालों को हम ऐसा करेंगे, हम ये कर चुके हैं, इस पर हमें वोट दो, ऐसा कहना चाहिए था उनको। बघेल साहब, ये तो बात मध्य प्रदेश और राजस्थान की हो गई, सर छत्तीसगढ़ पर आती हूँ। छत्तीसगढ़ के जो रुझान फिलहाल है, 55 सीटों पर आप लोग हैं और यही शायद फाइनल रिजल्ट भी होगा, क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की उम्मीद की थी? क्या सिंगल हैंडेड जीत हुई है या फिर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आपको मिल गया या फिर लास्ट में जो भ्रष्टाचार और महादेव बैटिंग ऐप के आरोप लगे 508 करोड़ रुपए के भूपेश बघेल पर, उसका फायदा हो गया आपको? हाँ, ये भी है, भ्रष्टाचार बोफोर्स ने तो कांग्रेस जमी हुई कांग्रेस को 40 साल में उखाड़ दिया था, भ्रष्टाचार को जनता कोई पसंद नहीं करती है, लेकिन गोबर तक बेचारों ने खरीद लिया 3 रुपए किलो, इसके बाद भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और खास तौर से जो संघर्ष किया है वहां के लोगों ने, और संगठन ने बहुत वहां पर मेहनत करी है। यहाँ मैं थोड़ी ईमानदारी से बोलना चाहूंगा कि दिल्ली के पत्रकार अक्सर मेरे से पूछते हैं कि क्या होगा, और जो सेंट्रल हॉल में बताता हूँ लगभग 25 साल, लेकिन वहाँ अपेक्षा से ज्यादा है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। अभी तक क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी की जीत का लोकसभा चुनाव के लिए माना जाता रहा है, क्योंकि हिमाचल कर्नाटक के जो नतीजे रहे उसके बाद से एक नैरेटिव तैयार हुआ कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उस नरेंद्र मोदी काम नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव नतीजे हैं और प्रचंड बहुमत बीजेपी को है, 20 साल की सरकार मध्य प्रदेश में उसका बने रहना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार अपनी कांग्रेस नहीं बचा पा रही है, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उभरे हैं और जीत की गारंटी के तौर पर। निश्चित तौर से जैसे अभी उनकी गारंटी की गाड़ी आ रही है, और वो भी वो आने वाले 5 साल के लिए गारंटी दे रहे हैं, हर ब्लॉक पे जा रही है वो मोदी की गारंटी, क्योंकि क्या है कि शुरू के दिनों में चुनावी चश्मे से देखा गया
लेकिन इस 9 साल में हर कैबिनेट में कोई ना कोई कल्याणकारी योजना आती है, फिर उसका क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। जैसे 10 लाख नौकरियों का वादा किया जी, तो हर महीने आप देख रहे हो 70,000 से 72,000 विभिन्न शहरों में जाकर के केंद्र के मंत्रियों के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर है, तो लोगों को विश्वास होने लगा है। लेकिन एक बात, एक फैक्टर आप नोट कर लीजिएगा, यूपी में 14 देख लो, 17 देख लो, 19 देख लो और 22 देख लो। अब जनता दे रही है तो जनता कहती है अधमरा नहीं छोड़ना है। अब जिसको दे रही है तो उसको दे भरपूर रही है। जैसे यूपी में 14 में माफ करना 325 का तो हमने भी नहीं सोचा था। मैं 4 बार के एमपी को टुंडला विधानसभा लड़ाई गई, इसलिए लड़ाई गई थी कि कभी नहीं जीती गई, शायद मैं जीत जाऊं। तो उस समय आकलन ये होता कि 325 आ रहे हैं तो मुझे 4 बार के एमपी को एमएलए नहीं लड़ाया जाता। फिर 14 में आया, फिर 17 हुआ, 19 में इतना बड़ा गठबंधन के बावजूद सपा बसपा के बाद आ गए हैं, और फिर 22 में फिर रिपीट हुआ। तो पब्लिक अब जो दे रही है तो सोचती है कहीं मेरे वोट से अब दो तो इतना दो जो वो चाहता है, जो जनता चाहती है, तो फिर चाहती कहीं सामने वाला ना दे रहा हो, खूब कस के वोट डाले जाए, जिससे वो अधमरा नहीं छोड़ रही है किसी को, फिर पूरी तरह मारती है। आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपकी पार्टी को इस जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको भी। तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों से इसी तरह की आ रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बैठक कांग्रेस पार्टी की तरफ से 6 तारीख को बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सहयोगी जो दल हैं उनकी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। 6 तारीख को एक बैठक होगी, लेकिन आज शाम को 6:30 बजे बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो क्या पीएम मोदी की तरफ से कहा जाता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इन सभी राज्यों में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा गया है। किसी को भी बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कमल के निशान पर बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच से थिरकते बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, अलग अलग स्ट्रैटेजी इस बार बीजेपी की तरफ से अपनाई गई। देखिए, कई केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया मैदान में, कई सांसदों को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा समय लिया, अगर लिस्ट की हम बात करें, गहन चिंतन के बाद, विचार विमर्श के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी की, लेकिन कहीं पर इन सभी चीजों का कोई फायदा होता नजर नहीं आया। महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान, कई बड़ी घोषणाएं अशोक गहलोत की तरफ से की गई। अशोक गहलोत की तरफ से महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फोन बांटे गए, ये तस्वीरें भी सीधी आ रही हैं बीजेपी दफ्तर की। ये तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जीत चुकी बड़ी है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बीजेपी के लिए रहे हैं। उम्मीद इससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है शायद राणा सर नहीं की होगी बीजेपी ने, जिस तरह से सीटें बीजेपी के हाथ आई है इस वक्त, खासतौर पर मध्य प्रदेश नेता जो छत्तीसगढ़ में लगे हुए थे तमाम दावों के बाद भी, क्योंकि हम पत्रकारों को भी ऐसा नहीं मिल रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार को बीजेपी पलट पाएगी, और ज़मीन पर जो चीज़ें दिख रही थी उसके मुताबिक भूपेश बघेल की सरकार का बने रहना ही मुमकिन सा दिख रहा था, लेकिन नतीजों को लेकर के बीजेपी के नेता आश्वस्त वो कहते कि ज़मीन पर हम काम कर रहे हैं और माहौल बदल रहा है, मतदाता बदल रहा है, उसका मन बदल रहा है और यह सरकार हमारी होगी। और अरविंद मोहन सर भी है मेरे साथ। अरविंद मोहन सर, चूक कहां आपको लगता है हो गई, उस तरह से क्या सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी फायदा उठा सकती थी छत्तीसगढ़ और खासतौर पर राजस्थान में, जिस तरह से योजनाएं अशोक गहलोत लेकर आए थे महिलाओं के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, सिर्फ मोदी का चेहरा काम आया और बीजेपी को बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिला दी। कितनी बड़ी जीत और आप बीजेपी की मान रहे हैं? चूक सबसे बड़ी यही है कि अभी कांग्रेस को मोदी से लड़ना नहीं आया है, इतनी पटखनी खाने के बाद भी मोदी से लड़ना कांग्रेस को आया नहीं है। बार बार एक खास किस्म की गलती उनके तरफ से होती है जो भारी पड़ती है, इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सबकी तरफ से वो गलती होती रहती है। मोदी की खूबी ये है कि हम सब लोग मानते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र थे और प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव में नहीं आना चाहिए, इसके बावजूद मोदी आए और उन्होंने सारा जिम्मा लेके चुनाव लड़ा और बड़ी मजबूती से अपने फैसले शुरू में किए, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कोर्स करेक्शन करने में उनको कोई झिझक नहीं हुई, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, बहुत साफ कोर्स करेक्शन दिखाई दिया कि वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करते, इसके बावजूद वसुंधरा के लोगों को खपाया, बाद में साथ कैंपेनिंग की, शिवराज चौहान का नाम चौथे लिस्ट में आया लेकिन बाद में सबको लगा कि शिवराज की मेहनत से फ़ायदा हो रहा है, लाडली योजना ही सबसे बड़ा सहायक होगी, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। कमलनाथ एकदम ऐसा बांध के बैठे थे कि चीफ मिनिस्टर हो गए, उन्होंने बाकी सारी चीजें फेल कर दी। बीच में आपको रोकना चाहता हूँ, राष्ट्रीय नेताओं का वहां कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नतीजा जो है वो आपके मन का है या आपकी पार्टी के मनमानीपन का है? यशवंत जी, मैं बड़ा सदमे में हूँ। मुझे तो उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी हर जगह, और हम ये बात मान के चल रहे थे कि कांग्रेस को जीत मिलनी भी चाहिए, हालात भी ऐसे नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से परिणाम आए हैं और परिणाम आ रहे हैं, तो वो ऐसा साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत भारी चूक हो रही है। रणनीति बनाने वालों ने जो रणनीति बनाई और चुनाव का संचालन जो किया गया, वो अलग दिशा में जा रहा था, जनता की भावनाएं अलग दिशा में थी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये परिणाम आया है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए इसके बहुत दूरगामी परिणाम और दूरगामी नतीजे होने जा रहे हैं। आचार्य जी, आप तीन बुनियादी बातों पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रबंधन, रणनीति और संचालन, इन तीनों के लिहाज से बहुत कमी रह गई, और जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं और ये तीनों कमजोर हों तो फिर जीतने की कोई गुंजाइश तो बचती नहीं है। इसका मतलब पार्टी लड़ी नहीं थी क्या? यशवंत जी, ये भी देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव में ना बहुत सारे कारण होते हैं जीत के, बहुत सारे कारण होते हैं हार के, लेकिन कुछ प्रमुख कारण होते हैं। और क्या लगता है प्रमुख कारण कौन से हैं? मुझे लगता है कि एक तो सनातन का विरोध, सनातन भारत की आत्मा है, और सनातन का विरोध करने वालों के साथ हम खड़े हो गए। और जब सनातन को मिटाने की बात हो रही थी, सनातन को खत्म करने की घोषणाएं की जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता या कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टालिन का विरोध नहीं किया गया। फिर बिहार सरकार के एक मिनिस्टर ने सनातन के खिलाफ बात की, उसके खिलाफ उसको भी नहीं काउंटर किया गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा रामचरितमानस, रामायण, राम, हिंदू धर्म, हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, हिंदुओं को गाली देना सेकुलरिज्म नहीं है। और यशवंत जी, सेकुलरिज्म जो है वो सर्वधर्म संभाव का नाम है, लेकिन ये एक अजीब सी विडंबना है, एक अजीब विडंबना है, और ये एक नया ट्रेंड चला है, एक फैशन सा बन गया है कि जो हिंदुओं को गाली दे वो सबसे बड़ा सेकुलर नेता, और जो हिंदुओं को गाली देगा और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा वो कांग्रेस पार्टी में बड़ा पद पाएगा। जो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते, पंडित नेहरू के रास्ते, राजीव गांधी के रास्ते से हटा के वामपंथ के रास्ते पे ले जाएगा, वो कांग्रेस में बड़ा पद पाएगा, बड़ा नेता होगा। तो इस तरह के कुछ वामपंथी नेताओं की एक कोटरी बन गई जो हिंदू विरोधी राजनीति भी करती है और हिंदुओं को टारगेट भी करती है। उसी चक्कर में जब मैंने ये बातें उठाई तो उन लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू किया। और एक बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि जो सच बोलता है वो भाजपा में चला जाएगा, या जो जो भी सच बोलेगा कांग्रेस पार्टी का, जो कहेगा भी ये फैसला ठीक नहीं है, तो उसके खिलाफ एक कोटरी है जो षड्यंत्र करती है, कॉन्स्पिरेसी करती है, और उसके बारे में उसका करेक्टर एसोसिएशन करने की आचार्य जी, क्योंकि आपको मैं रोक नहीं रहा हूं, आप बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बात को दो टुकड़ों में रख रहा हूं ताकि आगे आपसे सवाल करना मेरे लिए आसान हो जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, और वो ये कह रहा है कि जो जनमत होता है, जनादेश होता है किसी पार्टी के हक में, उसका सनातन से संबंध होता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने साथी दलों के जरिए सनातन पर किए जाने हमले को लेकर के चुप्पी साधे रखी थी या उस पर उसने कोई विरोध नहीं किया, तो का नुकसान इस बार के चुनाव में जो हो रहा है उसके चलते भी हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस के भीतर आप कहने कि सनातन विरोधी तत्व हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो चाहते नहीं कि पार्टी सनातन के साथ मिलकर के चले। दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों एक आरोप की तरह हैं कांग्रेस के ऊपर। मेरा पहला सवाल यह है, कांग्रेस के भीतर क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो तुष्टिकरण की नीति पर चलते हुए सनातन के विरोध में जाकर के कांग्रेस का बहुत नुकसान कर रहे हैं? तो ऐसे कौन से लोग हैं?
देखिए यशवंत जी, ये इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी गलती हुई, जो ये जातीय जनगणना के नाम पे जातिवाद का जहर परोसा गया। भारत एक ऐसा देश है जिसने जातिवाद की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस जातिवाद को पनपाया। और अभी कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि कुछ सलाहकारों ने कांग्रेस लीडरशिप को ये सलाह दे दी कि आप जातीय जनगणना, जातिवाद की राजनीति करिए। ये देश वो देश है यशवंत जी कि जातिवाद का सबसे बड़ा जो कार्ड खेला था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खेला था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल लागू करके जातिवाद का सबसे बड़ा कार्ड खेला, लेकिन जातिवाद के जहर ने पूरे देश को उनके खिलाफ कर दिया। अगर ये देश जातिवाद की राजनीति को स्वीकार करता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को पूजा जाता, लेकिन आज इस देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की समाधि कहाँ है किसी को नहीं पता। उनका जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा। एक मैसेज और हुआ, ये मैसेज हुआ कि कुछ लोगों ने ये बात रखी कि साहब धर्म की राजनीति को का काट है जातिवाद की राजनीति। तो हिंदुओं में ये मैसेज चला गया, सनातन धर्म को मानने वालों में ये मैसेज चला गया कि भाई हिंदुत्व को स्प्लिट करने के लिए, हिंदुत्व को बांटने के लिए ये जातिवाद की बात की जा रही है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो सवाल इस बात का है कि ये सब चीजें में जीत रहे थे हम, मध्य प्रदेश को आसानी से जीत सकते थे लेकिन हम हार गए। हम छत्तीसगढ़ को जीत रहे थे, हम हार गए। राजस्थान का जो इशू है उसमें भी दो तीन बातें बड़ी गंभीर हैं। ये इन बातों के साथ साथ वहां सचिन पायलट की तोहीन करना, सचिन पायलट को बेइज्जत करना और प्रतिभाओं का दमन करना, ये देश की जनता को स्वीकार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कांग्रेस लीडरशिप को अब इस पे चिंतन करना चाहिए कि उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए जो 8-10 सालों से कांग्रेस दफ्तर में जमे हुए हैं, जो अपने स्वार्थ में कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने स्वार्थ में कांग्रेस लीडरशिप को गुमराह कर रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के अंदर इतनी बड़ी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। और एक और बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि कांग्रेस पिछले 10 वर्षों में सोनिया जी अध्यक्ष थी, राहुल जी अध्यक्ष थे, फिर सोनिया जी अध्यक्ष, अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष 4 बदले गए लेकिन ये फैसला लेने वाली कोटरी वही है। तो ये जो वामपंथी लोगों ने कब्जा कर लिया है कांग्रेस पे, ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। इसके साथ साथ छोटे मोटे और भी कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है हमारी हार के। आचार्य जी, मैं रोकूंगा आपको 2 मिनट के लिए। मैं उस आचार्य प्रमोद कृष्ण से बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव पार्टी के टिकट पर 2 बार लड़ चुके हैं, AICC के मेंबर हैं, और खड़गे जी के चुनाव में जो 40 प्रस्तावक पार्टी के थे उनमें से आप एक हैं। आपने 3 बड़े सवाल उठाए हैं और ये बुनियादी सवाल हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी सनातन के रास्ते से दूर जा रही है, कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं, साजिश है। आप ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी जाति के आधार पर राजनीति करने के लिए चल पड़ी है या उसके लिए खतरनाक है लेकिन कर रही है। आप यह कर रहे हैं कि जैसे राजस्थान जैसी जगह हैं जहां सचिन पायलट जैसे नौजवान प्रतिभाओं को दरकिनार किया जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, यह खतरनाक है। तो आप प्रतिभाओं का दमन बता रहे हैं पार्टी में हो रहा है, सनातन का एक तरह से वो के विरोध में पार्टी चल रही है और जाति के साथ चल रही है, यह तीनों उसके लिए खतरनाक है। तो फिर 3 बड़े सवाल पार्टी का एक नेता लगा रहा है, फिर आपकी पार्टी बचेगी कहां? 2024 में पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी चल रही है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के मुकाबले में जो कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस की लीडरशिप है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप अच्छी है, बड़ी है, ताकतवर है, वो एक लोकप्रिय नेता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन भारत की जनता और भारत का जनमानस किन बातों को स्वीकार करता है, किन बातों को स्वीकार नहीं करता, ये तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आप, मैं आपसे ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो साबित हो चुका है। आखिर कौन सा कारण है मुझे आप बताइएगा। हमें लड़ना है भाजपा से, हम लड़ते हैं कुछ एंकर से, हम बायकाट करते हैं कुछ एंकर का। हमें लड़ना है भाजपा से, हम कुछ चैनल का बहिष्कार कर देते हैं। ये फैसले, ये बेतुके फैसले हैं, इन फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए। हमें लड़ना है भाजपा से, हम लड़ते हैं वंदे मातरम से, हमें लड़ना भाजपा से, हम लड़ते हैं भारत माता की जय से, हमें लड़ना भाजपा से, लड़ते हैं हिंदुत्व से। सनातन को मिटाने की बात करने वालों के साथ कांग्रेस कैसे खड़ी हो सकती है? कांग्रेस वो पार्टी है यशवंत जी
जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है, जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम अतित पावन सीताराम, हिंदुओं को गाली देने का नाम सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता। इतने सवाल कांग्रेस के सामने आपने रखे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस की लीडरशिप और आपके बीच में सब कुछ सौहार्दपूर्ण रहे और आप पार्टी के भीतर जिस मजबूती के साथ हैं उसी मजबूती के साथ रहें, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपकी जितनी भी सलाहें हैं पार्टी को गंभीरता से सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एंटोनी साहब ने भी एक कमेटी में, ये 10 सेकंड, एके एंटोनी साहब ने ये रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी होती जा रही, उस पर भी अमल नहीं किया गया। तो मैं नहीं कह रहा हूँ और सब लोग कह रहे हैं और सब लोग इस बात को उठाएंगे और पार्टी के हित में इस बात को उठाना चाहिए, आखिर कौन सा कारण है कि लगातार हम हारते जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा विषय है, कौन लोग हैं जो पार्टी में गलत फैसले करा रहे हैं, कौन लोग हैं जिनके फैसलों से पार्टी हार रही है, कौन लोग हैं जिनके फैसलों से ये मैसेज जा रहा है कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी, ऐसे कौन लोग हैं। जी आचार्य जी, तो बहुत 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 शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की सीनियर लीडर आचार्य निरंजन ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि आप चल रही हैं, कहीं गाड़ी में हैं और आपकी पार्टी की गाड़ी भी खूब चल रही है, बल्कि सरपट दौड़ रही है। ये चुनाव नतीजे तो बहुत गदगद किए होंगे आपको। मैं तो तीनों राज्यों की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, उसमें तेलंगाना का भी आभार व्यक्त करती हूँ। पीएम मोदी की गारंटी के साथ जनता जुड़ी हुई है और गारंटी हमारा झूठा आश्वासन नहीं है, हमने करके दिखाया है। गरीब को छत दी है, गरीब को उज्ज्वला दी है, गरीब को लाइट दी है, गरीब को राशन दे रहे हैं, हम घोषणा नहीं करते। गरीब को, किसान को, मजदूर को, रोज बेरोजगार को हम दिया है। मुसीबत कांग्रेस की ये है कि मुद्दों से भटक करके मोदी को गाली देती है। आपको निरंजन ज्योति जी लगता है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ कहा या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो कुछ कहा उसका भी असर जनादेश पर हुआ, लोगों ने उससे भी नाराजगी मोल लेकर के बीजेपी को वोट दिया? आप कल्पना करिए कि खड़गे जी तेलंगाना में जाकर के कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आ गई तो सनातन धर्म जीवित तो हो जाएगा। वही मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मंदिर बनाते हैं हनुमान जी का, ये दोहरा चरित्र जनता के सामने नहीं चलता। एक तरफ तुम हिंदू धर्म को गालियां दो, सनातन धर्म को गालियां दो, रामायण को फूकने का प्रयास करो, ये दोहरा चरित्र जनता के सामने अब नहीं चलने वाला है। जनता काम चाहती है, जनता देश का विकास चाहती है, देश का सम्मान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण विश्व पटल पर बढ़ा है ये जनता को दिखाई पड़ता है। मैं तो मध्य प्रदेश भी घूमी हूँ, राजस्थान भी घूमी हूँ, तेलंगाना भी घूमी हूँ। जनता के अंदर एक अंडर करंट था जो मोदी जी के साथ कनेक्ट था। और मैं उदाहरण भी देती थी रामायण का, आपको शायद याद होगा कि जब धनुष यज्ञ जनक ने छानी तो वहां पूरे देश के राजा इकट्ठे होके आए, भाई धनुष तोड़ेंगे। हमने कहा कि ये धनुष टूटेगा तो क्या करेंगे, कहने पहले धनुष तो टूटे फिर एक दूसरे की कमर तोड़ेंगे। तो हमने कहा ये राजा धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन जयमाल तो राम के गले में पड़ना था। तो यहाँ देश की जनता राम मोदी जी को पहले से तय कर चुकी है, क्योंकि मोदी जी जनता के लिए जी रहे हैं, गरीबों के लिए जी रहे हैं, किसानों के लिए जी रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मोदी जी के साथ जो जनता जुड़ी है ना, मैं तो स्वयं मध्य प्रदेश में। साध्वी निरंजन ज्योति जी, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की आवाज है और देश को सुनाई जानी चाहिए, तो हम फिर आपसे जुड़ते हैं। तब तक वसुंधरा राजे सिंधिया को हम आपके सामने, तरफ से तो इतना ही है, फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन सवाल नहीं, नो सवाल, आपने क्या दे दिया कि सवाल नहीं सर, नो सवाल। अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे, ये नहीं करेंगे, चाय पिलाओ इनको। सुंदरा राजे सिंधिया को सीधे आप देख रहे थे, वसुंधरा राजे सिंधिया को हालांकि बहुत ज्यादा खुलकर बीजेपी की तरफ से आगे नहीं किया गया, लेकिन आखिरी की जब जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो उनमें जरूर वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई। अब शिवराज सिंह को हमारे लिए नुकसानदायक था, इस बार हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर सीट जीतने का प्रयास करेंगे और हमने एक साल से कोशिश की और आप देख रहे हैं मालवा निमाड़ ने सर्वाधिक जीत
भारतीय जनता पार्टी को आपकी क्या जिम्मेदारी होगी 50,000 प्लस वोटों से लोग नजर आ रहे जीतते हुए इस बार एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है नहीं अब ये तो जनता का प्यार है किसके प्रति कितना लुट जाए रमेश जी 1,00,000 के आसपास जीतेंगे हमारे मालिनी जी भी 1,00,000 के आसपास जीतेंगे माननीय शिवराज सिंह जी भी 1,50,000 के आसपास जीतेंगे तो ये जो प्यार है जनता का ये एक बार में नहीं मिलता है लगातार हम सेवा कर रहे हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा जिसको दिल्ली के बैठे हुए हमारे हाईकमान तय करेंगे आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है सर 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 देखिए मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न कांग्रेस की दुर्गति नहीं मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि कांग्रेस को वोट क्यों दे क्या उनके पास नेता है क्या उनके काम कांग्रेस की नीयत अच्छी है इसलिए जनता ने उनको अपना चेहरा दिखाया आईने में कि लोकसभा में जाने के पहले आईने में अपना चेहरा देखा आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है क्योंकि उन्होंने सनातन को बहुत गालियां दी है ये वजह मान रहे हैं आप नहीं बहुत सारे कारणों में ये कारण भी हो सकता है बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं करता छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ की तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और मैं इसके लिए हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी को और नड्डा जी जिन्होंने वहाँ की कमाल संभाल रखी थी और मोदी जी का नेतृत्व जबरदस्त नेतृत्व उसके कारण ही हम जीते ऐसा मेरा तो भी एक बहुत बड़ा विराम लगा है मोदी जी ने कहा मेरे लिए किसान युवा बहने बेटियाँ और नौजवान और ये हमारे गरीब ये जातियाँ हैं तो जनता ने उन पर विश्वास किया बाकी सब खाली बात करते हैं पिछड़ों की और बैठाते हैं अपने परिवार को सत्ता में चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा ईमानदारी से काम करता है ये बहुत बड़ा बदलाव है जी सर अभी आपने बोला कि जात-पात की पॉलिटिक्स को भी इन्होंने विराम दे दिया तो जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से सेंसस को लेकर आवाज उठ रही थी क्या वो अब थम जाएगी ये तो ये आप उनसे पूछिए देखिए हम लोग गरीबों के उत्थान के पक्षधर हैं पिछड़ों के उत्थान के भी पक्षधर हैं सबसे बड़ी संख्या में पिछड़ों को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया एक हमारे द्रौपदी जी बहुत ही सम्मानित आदिवासी नेत्री राष्ट्रपति बनाया एक दलित नेता को बनाया पहले हमारे उनको रामनाथ कोविंद को मोदी जी खुद हैं लेकिन वो ये समझते हैं कि ये लोग अपने परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं समाज की पॉलिटिक्स करते हैं सबको साथ देंगे सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी अपनी बात रखी गई अरविंद मोहन सर मैं आपके पास आती हूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो अनएक्सपेक्टेड था बीजेपी खुद ये मान रही है लेकिन मध्य प्रदेश की ये जीत कितनी बड़ी मानते हैं देखिए 18-20 साल तक वहां पर बीजेपी की सरकार रही जो 2018 में चुनाव हुए 15 महीने के लिए सिर्फ कांग्रेस आई उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी जीत हो रही है अगर आप 150 के पार 164-165 तक पहुंच गए हैं तो फिर ये कितनी बड़ी जीत है देखिए मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत साफ शुरू से लग रहा था कि बीजेपी नहीं आएगी नहीं रिपीट करेगी ये जो कुछ भी हुआ है ये चुनाव के दौरान हुआ है जी आप कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश सेठी हैं बीजेपी के प्रवक्ता तो कांग्रेस के प्रवक्ता काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं क्योंकि इसी सवाल को आप जो है एक पत्रकार की नज़र से एलैबोरेट कर रहे थे और मैं राकेश जी की नज़र से जानना चाहता हूँ कि एक प्रवक्ता एक कार्यकर्ता के तौर पर वो इसे कैसे देखते हैं जब कल तक जो है आप पूरे तरीके से ना केवल फाइट में थे तेलंगाना को लेकर के जा रहे थे बल्कि छत्तीसगढ़ जो है बिल्कुल आपके साथ था आखिरकार ऐसी कौन सी ऐसी चूक हो गई कि आज पांव तले जमीन खिसक गई बिल्कुल आप सही कह रहे कि जो रिजल्ट है वो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग है और कल जितने भी चैनल्स के एग्जिट पोल है वो भी ये बता रहे थे कि 4 में से कम से कम 3 राज्य कांग्रेस पार्टी जीत रही है हाँ तेलंगाना में हमें जीत मिली है 10 साल के बाद हम तेलंगाना की जनता हमको सत्ता में वापस लेके आई मगर छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट हम देख रहे राजस्थान देख रहे और सबसे शॉकिंग मध्य प्रदेश ये सब जो रिजल्ट्स है ये हमारे लिए शॉकिंग है विश्लेषण करना पड़ेगा कहाँ पे हमसे भूल हुई हमारा मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था
भारतीय जनता पार्टी ने हमारा ही मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट किया। राजस्थान में हम 500 रुपया सिलेंडर दे रहे थे, वो 450 रुपया में सिलेंडर देने का वादा किया जनता को, मगर ये आखिरी में आज निर्णय आ चुका है और जनता का जो भी निर्णय है उसको हम स्वागत करते हैं। राकेश जी, चूक तो हुई है, और बड़े फैक्टर्स क्या मानते हैं? क्या उस तरीके से जो मैनिफेस्टो आप लेकर आए थे उसका उसको जनता तक नहीं पहुंचा पाए? छत्तीसगढ़ और कांग्रेस में तो आपकी सरकार थी, आपके पास मौका था यहाँ पर सरकार रिपीट करने का, कई योजनाएं अशोक गहलोत लेकर आए महिलाओं के लिए, लेकिन क्या उन्हें ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया या फिर उनका प्रचार प्रसार आप नहीं कर पाए? देखिए, राजस्थान का जहां तक सवाल है वो एक प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि राजस्थान एक पेंडुलम स्टेट था और आप देखते कि पिछले 40 साल से या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी, मगर हमें जो शॉक लगा है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2024 के लिए बल्कि राज्य में भी अगर आता है उसके चेहरे पर जनता राज्यों की वोट दे देती है। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री तो इनके बीजेपी के लिए तो तुरुप का पत्ता है ही है, वो उनसे बड़ा कोई फेस नहीं है। दूसरा ये है कि केवल बीजेपी में क्या, आप पूरे राजनीतिक परिदृश्य में देखें किस पार्टी के पास इतना कद्दावर नेता है, किसी के पास नहीं है। देर इज नो मैच, मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैच कोई भी नहीं है। कोशिश भी कर रहे हैं, आप याद कीजिए कि 2014 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार अपने आप को कोशिश कर रहे थे कि मैं मैच बनूंगा, मुंह की खाए, फिर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। तो इन सब चीज़ों से प्रधानमंत्री तो एक बहुत बड़े जैकपॉट हैं, इससे कोई डिनायल नहीं है, और प्रधानमंत्री का मैच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, भाजपा के अंदर ठीक तो है। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे, पूरा जो राजमाइश देखने को मिली कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, कुछ भी काम नहीं आया, और 70 का भी आंकड़ा आप पार नहीं कर पाए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ऐसे में 2024 के लिए तो और ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। इंडिया गठबंधन में आप सोच रहे थे कर्नाटक में जीत के बाद कद बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब उसी पोजिशन पर आपको नीचे आना होगा। देखिए, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता होते हैं, वो अपना 100% डालते हैं, और उसी तरह हमारे लीडर, टॉप लीडरशिप ने भी बहुत मेहनत लिया। आपका कहना सही है कि आज जो रिजल्ट हम देख रहे, हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए या उनको समझा नहीं पाए, ये विश्लेषण का विषय है, बट आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी हो या एक वरिष्ठ पत्रकार है वो जो कह रहे उसको मैं आज काउंटर नहीं करूँगा, क्योंकि आज हम हारे हैं और हारने के बाद आपको हार एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए मैं इतना ही करूँगा, आज ये हार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और 2024 के लिए हम कल से फिर से काम शुरू करेंगे और उसका तैयारी। कम से कम ये आप हम्बल है कि आप हार एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही अरोगेंसी बहुत से कांग्रेस लीडर्स की वही जो है ग्राउंड पर दिखाती है कि कई बार हार होने के बावजूद उसे एक्सेप्ट ना करना, एरोगेंसी में उसे ट्रीट करना, तो ये सबक लेने वाली चीज़ें होती, तभी जो है जनता इसका वो देखती भी है, जवाब भी देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ सब जो है ये पैनल और ये बड़ी कवरेज लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।